इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडिबल पर अपनी एनएफटी किस तरह से मिंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज अहमद एनएफटी वाला। आपने सबसे पहले गूगल पर आकर टाइप कर लेना है redible.com। इस तरह से आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सबसे पहले कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है। हम मेटामास्क का वॉलेट यूज कर रहे हैं। ये मेटामास्क वॉलेट किस तरह से क्रिएट होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। हम मेटामास्क वॉलेट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, साइन करेंगे। जी, हमारा जैसे ही वॉलेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पर क्रिएट की ऑप्शन आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। हम सिंपल, जब हमने फर्स्ट एनएफटी मिंट करनी है तो हमने अपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्रिएट पर क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ब्लॉकचेन पर आपने एनएफटी मिंट करनी है। आपको पता है एथेरियम है, सोलाना है, फ्लो है, पॉलीगोन है, टेजोस है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ब्लॉकचेन पर जाना है। इस वीडियो में हम यहाँ एथेरियम ब्लॉकचेन पर जाएंगे। आपने क्लिक करना है, उसके बाद पूछ रहा है कि सिंगल सेलेक्ट करना है या मल्टीपल आपने सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमारा वॉलेट जो है यहाँ पर कनेक्ट शो कर रहा है। अब इस बात को वेरीफाई कर लें, इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपने कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। वो PNG हो सकती है, वो कोई जिप फाइल हो सकती है, वो MP3 हो सकती है, वो कोई 3D मॉडल हो सकता है। मेरे पास एक आर्ट था जो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा है, एक फिक्स प्राइस का, एक ओपन फॉर बिड्स और एक टाइम ऑप्शंस का। हम अभी के लिए फिक्स प्राइस पर जाएंगे। एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम प्राइस एंटर करेंगे वो एथेरियम में होगी। अब मैं यहाँ पर 2 एथेरियम प्राइस एंटर कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि $3,331 में इसकी मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें कि नीचे हमें बता रहा है कि सर्विस फीस 0.02 ईथ होगी जो 1% है। और नीचे हमें अगर USD में देखें तो हमें कितने USD रिसीव होंगे, वो ये बता रहा है कि 3,331 USD हमें रिसीव होंगे अगर हमारी ये NFT सेल होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो सबसे एक मेन चीज़ है वो ERC-721 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ERC-721 क्या होता है। ERC-721 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। जो भी बड़ी कलेक्शंस होती हैं वो सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होती हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने हैं। जैसे ही आप 500 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर मुकम्मल होंगे, मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके बताऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लाइव किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम अपने कलेक्शन का नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ NFT वालो सीख लो। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप अपने आर्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ दिस इज डेमो। अब यहाँ पर एक चीज है रियलिटी। आपको पता है कि NFT स्पेस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था कि जो भी आर्ट बनाएगा, जो आर्ट का क्रिएटर होगा, उसे कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। NFTs की जितनी भी मार्केट प्लेस है वो हमें एक बेनिफिट देती हैं कि हम खुद की रॉयल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 10% है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रॉयल्टी चाहिए। जितना यूनिक आपका आर्ट होगा आप उस लिहाज से अपनी रॉयल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 10% ही रखूंगा। अब अगर आप नीचे देखें तो प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। जब हमने OpenSea पर अपना आर्ट मिंट किया था तो आपको बताया था कि अपने वेरिएशंस या प्रॉपर्टीज किस तरह से लिखनी है। यहाँ पर एक दो हम लिख कर देख लेते हैं। अब जैसे जैसे करते जाएंगे ये नीचे नीचे खुद ही ब्लॉक्स बनते जाएंगे, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल हमने क्रिएट आइटम पर आना है। अब हमारी NFT अपलोड हो रही है, उसके बाद ये मिंट पर जाएगी। यहाँ पर हमने इसको अप्रूव करना है। हम यहाँ पर साइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट ऑन सेल पर लगाएंगे। जी, तो हमारी NFT सक्सेसफुली रेडिबल पर मिंट हो चुकी है। हम यहाँ पर व्यू NFT करके अपनी NFT को चेक करेंगे कि हमारी NFT किस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारा आर्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। यहाँ पर देखें इसका नाम आ रहा है, हमने नाम दिया था NFT वालो। ओनर जो है हमारा बता रहा है अहमद NFT वाला, वो आपको पता है कि अहमद NFT वाला ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी प्राइस शो हो रही है कि हमने 2 ETH प्राइस लगाई थी। 2 मतलब कि 2 Ethereum हमने प्राइस इसकी सेट की थी। उसके बाद अगर आप इस तरफ देखें तो डिस्क्रिप्शन आएगी आपकी आर्ट की। यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा था दिस इज डेमो। उसके बाद यहाँ पर नीचे है लेटेस्ट बिड्स।
यहाँ पर अगर कोई भी आपको बिड लगाता है आपके आर्ट की, मान लें कि अगर हम जैसे हमने यहाँ पर 2 एथेरियम इसकी प्राइस लगाई है, तो कोई बंदा आकर हमें कहे कि भाई 1 एथेरियम ले लो, तो वो जो बिड लगाएगा, जो हमें ऑफर देगा, वो हमें यहाँ पर शो होगी। उसके बाद नीचे बता रहा है कि क्रिएटर की रॉयल्टी कितनी है, यहाँ पर हमने 10% सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर नीचे है एथेरियम ERC-721, ये आपको मैंने बता दिया है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। नीचे है IPFS, या आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IPFS क्या होता है। और लास्ट पर एक चीज़ है मेटा डाटा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेटा डाटा। किसी भी NFT कलेक्शन में जो मेन रोल प्ले करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मेटा डाटा भी क्रिएट करना बताऊंगा कि किसी भी NFT का मेटा डाटा किस तरह से बनाया जाता है और ये किस तरह से शो होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।